लगातार दूसरे कारोबारी दिन बाजार में दिखी तेजी। अदानी एंटरप्राइजेज और टाटा मोटर्स की अगुवाई में निफ्टी 117 अंकों की बढ़त के साथ 17,712 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 415 अंक चढ़कर हुआ बंद। बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से करीब 300 अंक गिरने के बावजूद हरे निशान में बंद होने में कामयाब। अदानी ग्रुप के शेयर आज फिर हरे रंग में सराबोर। अदानी एंटरप्राइजेस 5.5% की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर। 5 दिन में 75% से ज्यादा का उछाल। अदानी ग्रुप में निवेश के बाद जीक्यूजी पार्टनर्स के चेयरमैन राजीव जैन का पहला इंटरव्यू ईटी नाउ सुदेश से। खास बातचीत में कहा अदानी ग्रुप के फंडामेंटल काफी मजबूत। 2 साल से ग्रुप कंपनियों को कर रहे थे ट्रैक। अदानी ग्रुप पर एक और बड़े शेयर होल्डर एलआईसी ने जताया भरोसा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एलआईसी चेयरमैन ने कहा मैनेजमेंट से मिलने के बाद ग्रुप कंपनियों पर बढ़ा भरोसा। महानगर गैस 9% की तेजी के साथ 52 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचा। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यूनिसन राइजन को 531 करोड़ की खरीदेगी कंपनी। विंडफॉल टैक्स में कमी से चेन्नई पेट्रो एमआरपीएल और ऑयल इंडिया के 2 से 4% की तेजी। एटीएफ एयरपोर्ट पर अतिरिक्त टैक्स खत्म। डीजल एयरपोर्ट पर टैक्स से 2.50 रुपए से घटकर 50 पैसे प्रति लीटर। गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू कराना अब पड़ सकता है महंगा। IRDAI ने 100% इंश्योरेंस के लिए भेजा प्रस्ताव। बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों की बनेगी लिस्ट। राज्यों के परिवहन विभाग जुर्माना लगाने के साथ भेजेंगे नोटिस। देश में किसी तरह का खाद्यान्न संकट नहीं। गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान। ईटी नाउ के साथ खास बातचीत में बोले खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा गेहूं एक्सपोर्ट खोलने की फिलहाल कोई योजना नहीं। दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट से शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत। कोर्ट ने 20 मार्च तक भेजा जेल। पटना में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर सीबीआई की टीम। IRCTC घोटाले में राबड़ी देवी से सीबीआई ने 4 घंटे तक की पूछताछ। IRCTC घोटाले में लालू के परिवार पर लगे गंभीर आरोप। 2006 में IRCTC होटल ठेके पर देने में घोटाले के लगे आरोप। लालू यादव के कार्यकाल में दिए गए थे ठेके। दिल्ली की कोर्ट ने भेजा लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी यादव को समन। 15 मार्च को नौकरी के बदले जमीन मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। एनसीपी चीफ शरद पवार ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा विपक्षी नेताओं के खिलाफ हो रहा एजेंसियों का इस्तेमाल। पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव का बयान। सीबीआई को उनके आका की तरफ से निर्देश मिला है। बीजेपी को 2024 का सता रहा है डर। टेरर फंडिंग केस में बिहार में एनआईए की छापेमारी। 4 लोगों के घर पर एनआईए का छापा। दिल्ली के स्कूलों में शिक्षा विभाग को नहीं मिली कोई अनियमितता। सीएम केजरीवाल का ट्वीट। लिखा 24 घंटे फर्जी जांच। इससे क्या हासिल होगा। पीएम मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित। कहा भारत का नजरिया सिर्फ हेल्थ केयर तक सीमित नहीं। हम वेलनेस के लिए भी कर रहे हैं काम। 9 मार्च को गुजरात के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 8 मार्च की रात अहमदाबाद पहुंचेंगे पीएम। 9 मार्च की सुबह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच देखेंगे। लंदन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना। कहा बीजेपी और आरएसएस नफरत फैलाती है। हम नफरत की विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे।
2024 चुनाव को लेकर बोले राहुल गांधी, कहा देश में बीजेपी के खिलाफ काफी गुस्सा, 2024 में चुनाव 3-4 मुद्दों पर लड़े जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को बताया विवादों की आंधी, कहा विदेशी दोस्त, विदेशी एजेंसी और विदेशी चैनल के सामने भारत को बदनाम करने का मौका नहीं छोड़ते। उमेश पाल हत्याकांड में एक और आरोपी उस्मान का एनकाउंटर, पहली गोली चलाने वाला हुआ ढेर, शूटर उस्मान चौधरी को पुलिस ने मार गिराया। यूपीए डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान, कहा शूटर उस्मान चौधरी पहले हिंदू था, विजय चौधरी का धर्म परिवर्तन करवाकर उसे उस्मान बनाया था। उमेश पाल हत्याकांड पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा एक एक अपराधी को सजा मिलेगी, सक्रिय है पुलिस। एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अमित जामई का बयान, कहा यूपी पुलिस सिर्फ मोहरों को मार रही, असली सरगना को बचाया जा रहा। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में बंद मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे आप विरोधी पोस्टर, सिसोदिया सत्येंद्र जैन की फोटो लगाकर लिखा जो भ्रष्टाचारी वही देशद्रोही। कुल्लू के मणिकरण में पंजाब से आए सैलानियों ने की गुंडागर्दी, लोगों के साथ की मारपीट, घरों और गाड़ियों पर भी पत्थरबाजी, जांच में जुटी पुलिस। उज्जैन के महाकाल मंदिर में मनाया गया होली का पर्व, भक्तों ने भस्म आरती के दौरान 40 क्विंटल फूलों के साथ खेली होली। दिल्ली और एनसीआर के लोगों का इंतजार हुआ खत्म, आज से शुरू होगा आश्रम फ्लाईओवर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया उद्घाटन। होली के मौके पर दिल्ली के लोगों को बड़ी सौगात, फ्लाईओवर के खुलने से हजारों यात्रियों को जाम से मिलेगी निजात, नोएडा दिल्ली के बीच सफर हुआ आसान। फिलहाल सिर्फ हल्के वाहनों के लिए खोला जा रहा है आश्रम फ्लाईओवर, भारी वाहनों के लिए रहेगी पाबंदी, बैरियर के जरिए रोके जाएंगे भारी वाहन। उद्धव के एक और करीबी पर गिर सकती है गाज, बीजेपी नेता किरीट सुमैया ने एमएलए रविंद्र वायकर पर लगाया घोटाले का आरोप, कहा करीब 500 करोड़ का हुआ जमीन घोटाला। योगी 2.0 में रोजगार मेले के जरिए 1,72,000 युवाओं को मिला रोजगार, 1 अप्रैल 2022 से 31 जनवरी 2023 तक प्रदेश भर में आयोजित किए गए 1536 रोजगार मेले। समंदर में भारत को बड़ी सफलता, भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र का किया सफल परीक्षण, मिसाइल में लगा है स्वदेशी सीकर एंड बूस्टर। डब्ल्यूपीएल में 3 विकेट से जीती यूपी वॉरियर्स, आखिरी 17 बॉल पर 58 रन बनाकर गुजरात जॉइंट्स को दी मात, ग्रेस हैरिस ने जड़ा विनिंग सिक्स। दिल्ली के धमाल के आगे फेल हो गई आरसीबी, दिल्ली ने 60 रनों से बेंगलुरु को दी मात। हैदराबाद में अमिताभ बच्चन को लगी चोट, शूटिंग के दौरान एक्शन सीन फिल्माते हुए घायल हुए अमिताभ। फिल्म प्रोजेक्ट के की शूटिंग कर रहे थे अमिताभ, महानायक ने अपने ब्लॉग पर दी जानकारी, चोट की वजह से अमिताभ ने शूटिंग रद्द की। अजय देवगन ने रिलीज किया अपनी नई फिल्म भोला का ट्रेलर, 3D में 30 मार्च को रिलीज होगी फिल्म। महाराष्ट्र के अहमदनगर में गदर 2 की शूटिंग, सनी देओल ने किसानों के साथ बातचीत का वीडियो किया शेयर।
कश्मीर में 34 साल बाद बना रिकॉर्ड। पिछले दो साल में 200 फिल्मों, वेब सीरीज और एल्बम की शूटिंग की मंजूरी दी गई। बॉलीवुड, टॉलीवुड समेत कई रीजनल सिनेमा के प्रोड्यूसर्स कर रहे कश्मीर का रुख। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की पत्नी की सहेली की संपत्ति पर उठा सवाल। इमरान सरकार के दौरान तेजी से बढ़ी फरहत शहजादी की संपत्ति, केस दर्ज। चीन में अमेरिकी निवेश के लिए बाइडेन प्रशासन ने तैयार किए नए नियम। चीन के कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंधित हो सकता है अमेरिकी निवेश। चीन के विदेश मंत्री को कैनेडियन विदेश मंत्री की दो टूक। अपने आंतरिक मामलों में किसी भी तरह के विदेशी दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा कनाडा। चीन ने की दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रक्षा बजट की घोषणा। 10 साल में दुगना रक्षा बढ़ाया गया। इस बार किया 7.2% की बढ़ोतरी।